देखिएगा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी, और उसमें चैप्टर चल रहा था परिवहन व्यापार संचार, और परिवहन में ही आपका टॉपिक चलेगा जल मार्ग। जल मार्ग के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, और ये जो है ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो जल मार्ग के बारे में देखते हैं कि यह जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन की बात किया जाता है तो जल मार्ग परिवहन होता है। इसके साथ ही भारत में जल मार्ग को देखभाल करने के लिए, रख रखाव करने के लिए 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय जो है नोएडा बनाया गया, जिसका मुख्यालय नोएडा बनाया गया, तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यालय जो है पटना, दिल्ली, कोलकाता, ये सभी को अन्य क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया। लेकिन अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का जो गठन हुआ 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को, और उसका मुख्यालय बनाया गया, मेन मुख्यालय जो बनाया गया आपका नोएडा में बनाया गया। पटना, दिल्ली, कोलकाता, ये सभी में क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया। अब देखते हैं कि भारत में जल मार्ग की बात किया जाता है तो भारत में जितना भी जल मार्ग है समुद्र के आसपास है या भारत के आंतरिक हिस्सा में है, तो आंतरिक हिस्सा में जितना भी जल मार्ग है कुल में से 5 को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। कुल में से सिर्फ 5 को ही राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। अब ये राष्ट्रीय जल मार्ग 5 है कौन कौन, इसी के बारे में सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहला कहा जाता है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 की बात किया जाता है तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश में जगह है इलाहाबाद, और ये जगह है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, और यहीं पे पश्चिम बंगाल में जगह है आपका हल्दिया। पश्चिम बंगाल में जगह है हल्दिया, यानी कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की बात किया जाता है तो इलाहाबाद, और पश्चिम बंगाल में जगह है आपका हल्दिया, और यही इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है। और इसकी कुल लंबाई की बात करता है तो कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है, और ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का जो विस्तार है, एक का जो विस्तार हुआ है वो गंगा नदी के सहारे इसका विकास हुआ है, और यह जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक इसका विस्तार है, और इसकी कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो सदिया से धुबरी, यहाँ पे असम में जगह है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जगह है, और ये सदिया से धुबरी तक की बात किया जाता है तो यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे विकसित हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे विकसित हुआ है, और यह जो है गंगा नदी के सहारे विकसित हुआ है। और इसकी कुल लंबाई की बात करता है तो कुल लंबाई जो इसका है 891 किलोमीटर है, 891 किलोमीटर है। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है वो आपका दक्षिण भारत में, यानी कहने का मतलब दक्षिण भारत में नहर के सहारे विकसित हुआ है, और नहर के सहारे विकसित हुआ है, जगह है आपका राज, हम बताए थे कि ये जो राज है केरल है, ये जो राज है केरल है, और केरल में ही जगह है कोलम और एक जगह है कोटापुरम, यानी कहने का मतलब कोलम जगह है और एक जगह है आपका कोटापुरम, और ये कोलम से कोटापुरम तक इसका विस्तार है, और यह इसकी जो लंबाई है 205 किलोमीटर है, इसकी लंबाई जो है 205 किलोमीटर है।
उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार जो है ये भी दक्षिण भारत में ही है, दक्षिण भारत में है। और दक्षिण भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार जो है वो आपका कृष्णा और गोदावरी नदी के सहारे इसका विकास हुआ है। यानी कहने का मतलब कृष्णा नदी, कृष्णा और गोदावरी नदी, ये कृष्णा और गोदावरी नदी के सहारे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार का विस्तार हुआ है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार जो है ये आंध्र प्रदेश, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी राज्यों में फैला हुआ है। और इसकी कुल लंबाई की बात करता है तो कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार है, ये आपका तेल है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पांच की बात करता है तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पांच जो है यहाँ पे सेक्शन है आपका उड़ीसा, ये उड़ीसा का सेक्शन है। और उड़ीसा में ही ब्रह्मपुत्र और उड़ीसा में ही महानदी और ब्राह्मणी नदी, महानदी और ब्राह्मणी नदी के सहारे विकसित हुआ है। और ये जो है इसकी कुल लंबाई जो है 623 किलोमीटर है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पांच। यही जलमार्ग संख्या पांच जो हम देख रहे हैं इसी पांच को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, इनकी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या की बात करता है तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है पांच ही है। अब यहाँ से क्वेश्चन देगा कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या को कितना भाग में बांटा गया है, या भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या की बात करता है तो भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या पांच है। क्वेश्चन देगा कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का वर्णन करें। तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या को मुख्यतः पांच भागों में बांटा गया है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या की पांच है, जलमार्ग संख्या पांच है। पहला तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक गंगा नदी के सहारे विकसित हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो जो है ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे विकसित हुआ है, और यह सदिया से धुबरी तक जाता है, सदिया से धुबरी तक जाता है, सदिया से धुबरी तक जाता है। और इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तीन, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तीन जो है दक्षिण भारत में नहर के सहारे विकसित हुआ है, ये नहर के सहारे ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तीन विकसित हुआ है। और यह दक्षिण भारत में ही कोलम से कोटापुरम तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ है, और यह जो है कृष्णा और गोदावरी नदी के सहारे इसका विकास हुआ है। और यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में फैला हुआ है। पांचवा देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पांच जो है उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी और महानदी के सहारे विकसित हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। तो इस तरह से हम इतना देख लेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन से, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नहर के सहारे विकसित हुआ है। तो नहर के सहारे विकसित होने वाला एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है, और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तीन जो है नहर के सहारे विकसित हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि कुछ बंदरगाह जहाँ पे जहाज वगैरह का स्टॉपेज होता है, जहाँ पे जहाज वगैरह रुकता है उसी को हम बंदरगाह कहते हैं। और बंदरगाह के बारे में भारत में देखा जाता है कि भारत में लगभग 12 बड़े बंदरगाह है, और लगभग 200 की बात किया जाता है तो 200 छोटे बंदरगाह है। यानी कि 12 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह है। अब ये सभी में देखेंगे कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है, कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक आपका है कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह की बात करता है तो कांडला बंदरगाह जो है ये आपका गुजरात में है। और कांडला बंदरगाह की बात जो है यह एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। यानी कि वहां पे ज्वार के द्वारा यहाँ पे कांडला
कांडला बंदरगाह का निर्माण हुआ है, और कांडला बंदरगाह आपका कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात के सेक्शन में यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये जो यहाँ पे कर दे रहे हैं आपका कांडला बंदरगाह है। दूसरा हम देखते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह जो है आपका कहाँ है, तो मुंबई में ही है। मुंबई बंदरगाह जो है आपका कहाँ है, मुंबई में ही है। और इसके साथ ही प्लस पॉइंट है कि यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये दूसरा सेक्शन में हम यहाँ पे मुंबई में कर देते हैं, ये दूसरा जो है ये मुंबई बंदरगाह है। तीसरा की बात करते हैं तो और भी बंदरगाह यहाँ पे देखते हैं। एक बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है आपका आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम जो आपका बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में है। और विशाखापट्टनम की बात करता है तो यह सबसे गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह। और आंध्र प्रदेश का सेक्शन यहाँ पे हम देखते हैं, और ये जो है आपका तीसरा नंबर है। तो पहले ये तीन को देख लेते हैं हम कि एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, और कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, और मुंबई बंदरगाह आपका मुंबई में ही है। उसके बाद भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, और यह आपका आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा और भी हम बंदरगाह अब देखेंगे। यहाँ पे चौथा नंबर देखते हैं कि कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह। और कोची बंदरगाह जो है आपका केरल में है। कोची बंदरगाह आपका कहाँ है, तो केरल के सेक्शन में कोची बंदरगाह है। उसके बाद देखते हैं हम मरमू गांव, मरमू गांव। और मरमू गांव की बात करता है तो मरमू गांव जो है गोवा में है। मरमू गांव जो है आपका गोवा में है, और गोवा का सेक्शन हम यहां पे बताया है कि महाराष्ट्र के पास ही आपका यहां पे गोवा है, और ये मरमू गांव जो है आपका गोवा में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तुतीकोरिन, तुतीकोरिन बंदरगाह। तो तुतीकोरिन बंदरगाह जो है आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु तुतीकोरिन, और यहाँ पे सेक्शन जो है ये छठा नंबर जो है तुतीकोरिन बंदरगाह हो जाएगा। इसके अलावा और भी बंदरगाह है, जैसे कि आपका हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया। तो हल्दिया की बात किया जाता है तो हल्दिया जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल का सेक्शन यहाँ पे है सातवां नंबर यहाँ पे कर देते हैं। उसी तरह से आठवां में हम देखते हैं कि पारादीप, पारादीप। और पारादीप की बात किया जाता है तो पारादीप बंदरगाह जो है आपका उड़ीसा में है, और उड़ीसा का सेक्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे हम आठवां नंबर कर देते हैं। उसके अलावे नोहा सेवा बंदरगाह, नोहा सेवा बंदरगाह की बात करता है तो ये भी नोहा सेवा बंदरगाह जो है आपका मुंबई में ही है। नोहा सेवा बंदरगाह जो है आपका मुंबई में ही है। इसके अलावे और भी बंदरगाह है, इंदौर बंदरगाह, इंदौर। तो इंदौर बंदरगाह जो है आपका ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो इस तरह से हम कुछ बंदरगाह देखें, और भी हम बंदरगाह लिखाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका इम्पोर्टेंट है आपका यही है, ये जो है आपका काफी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। तो सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं कुछ बंदरगाह के बारे में। कांडला बंदरगाह गुजरात में, जो एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह जो मुंबई में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आपका आंध्र प्रदेश में है। कोची बंदरगाह केरल, मरमूगांव गोवा, तुतीकोरिन तमिलनाडु, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, नोहा सेवा मुंबई, इंदौर जो है आपका ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। अब देखते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पे बंदरगाह के बारे में देखें कि बंदरगाह कौन सा बंदरगाह कहाँ है। अब इसी में आपको क्वेश्चन देता है, इसी में आपको क्वेश्चन दे सकता है, दीर्घ में क्वेश्चन दे सकता है कि भारत का मानचित्र बना करके निम्नलिखित बंदरगाह को दर्शाइए। पांच को बंदरगाह दे देगा, तो पांचों बंदरगाह को तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है, कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, किस स्थान पर है।
और जिस स्थान पे पहले याद होना चाहिए उसके बाद भारत का मानचित्र बना करके जब लिखित बंदरगाह को दर्शाइए तो पहले तो आपको भारत का मानचित्र बनाना होगा, और इसी तरह से जैसे नंबरिंग दिए हैं हम उसी तरह से नंबरिंग दे करके आपको दर्शाना होगा। तो इस तरह से हो जाएगा ठीक। तो आपका जल मार्ग जो था आपका टॉपिक यही तक था। इसके बाद जो टॉपिक है आपका हम बताएंगे वायु परिवहन या आपका जल मार्ग परिवहन था। इसके पिछले क्लास में हम आपको सड़क परिवहन रेल परिवहन बता दिए थे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे वायु परिवहन के बारे में।